बिग बॉस ओटीटी 2 के लाइव फीड से सबसे बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और नॉमिनेशन के प्रक्रिया खत्म होने के बाद जिया शंकर के आंखों से आंसू छलक पड़े। जिया शंकर फूट फूट कर रो पड़ी और जिया को रोता देखकर अभिषेक मलहन जो कि जिया के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं वो जिया के पास गए और जिया के आंसुओं को पोंछते हुए नजर आए और जिया को किया सबसे बड़ा वादा। अब क्या वादा किया और जिया आखिर क्यों फूट फूट कर रो पड़ी ये बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस ओटीटी 2 के लाइव फीड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और नॉमिनेशन के खत्म होने के बाद जिया शंकर के आंखों से आंसू छलक पड़े। अब जिया शंकर क्यों फूट फूट कर रो पड़ी इसका भी कारण आपको बता देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है अविनाश सचदेव बने। अविनाश सचदेव जो कि जिया शंकर के काफी अच्छे दोस्त थे, शुरुआत में इनकी बॉन्डिंग भी देखने को मिली, लेकिन अब अविनाश सचदेव ने ही यहां जिया शंकर को जिया शंकर के सामने जो है नॉमिनेट कर दिया और जिया शंकर को यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सपेक्ट वो नहीं कर रही थी कि अविनाश सचदेव जो कि उनके इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे मित्र हैं, वो उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। और जब यह चीज हुआ जिया शंकर की तो पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई और जिया शंकर जो है फूट फूट कर रोते हुए नजर आई और बिग बॉस से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि वो बिग बॉस छोड़कर जाना चाहती हैं, बिग बॉस में वो रहना नहीं चाहती ऐसे दोगले इंसानों के बीच में। अब यहां पर जो हमारी आकांक्षा पूरी है वो भी सपोर्ट कर रही थी और ऐसे में यहां पर फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलहन जिनकी काफी अच्छी दोस्ती बन चुकी है यहां जिया शंकर के साथ, वो आगे आए और वो आगे आकर सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए यहां पर जिया शंकर को और साथ ही साथ जिया शंकर को संभालते हुए नजर आए, जिया शंकर के यहां पर पीठ को मतलब थपथपाते हुए नजर आए और आराम देते हुए नजर आए क्योंकि जिया शंकर जो है रोते रोते काफी ज्यादा जो है वो इमोशनल मतलब ड्रेन आउट हो गई थी और ऐसे में जिया शंकर को ना सिर्फ उन्होंने संभाला बल्कि जिया शंकर के आंसुओं को भी पोंछते हुए वो नजर आए और जिया शंकर जो कि काफी अकेला महसूस कर रही थी बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में, ऐसे में जिया शंकर के सामने उन्होंने कहा कि मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कोई रहे या ना रहे क्योंकि तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी हो और ऐसे में मैं तुम्हें तो मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता, ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आए। पता नहीं ना जाने यहां पर लोगों के इतने सारे चेहरे क्यों हैं, किस लिए है, ये बात जो है फुकरा इंसान जो है बोलते हुए नजर आए जिया शंकर को क्योंकि यहां पर मुझे भी समझ में नहीं आता पहले बेबिका और मनीषा रानी और मतलब ये सारे के सारे लोग मेरे साथ रहते थे लेकिन मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे तुम अच्छी लग रही हो, तुम जेन्युइन लगी हो और तुम्हारे आंसू रियल है, ये बात बोलते हुए नजर आए दोस्तों फुकरा इंसान। और फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलहान वादा करते हुए नजर आए कि मैं मेरे रहते तुम अब आइंदा कभी नहीं रोगी और तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत दिल की सच्ची हो, ये बात कहते हुए नजर आए फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलहन जिया शंकर को। तो ये चीजें जो हैं आप सभी दर्शकों के सामने अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा जो है इमोशनल कर देने वाला है। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।